दोस्तों कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त गुरविंदर एक बार फिर से आपके मनपसंद चैनल के ऊपर। दोस्तों आपकी फरमाइश के ऊपर आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर लेके आए हैं, लेकिन घर से पहले मैं आपको एक लोकेशन के बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत देर से आपकी डिमांड थी कि आपको एक अलग लोकेशन चाहिए, खूबसूरत सी हो। और आज की लोकेशन बिल्कुल आपकी एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, महज 3 या 4 किलोमीटर पर आपका एयरपोर्ट है। और मेरा घर जो है बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल पास है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ तो आपको एयरपोर्ट यहाँ आपके घर से नज़र आ जाएगी। जी हाँ, ये खूबसूरत सी रोड आपके पास, जो वाइड रोड जहाँ पे पाम ट्रीज लगे हैं, ये आपकी एयरपोर्ट रोड है दोस्तों। और दोस्तों हमारा घर जो है ये और भी ख़ास है, क्योंकि इसके सामने एक खूबसूरत सा ग्रीन पार्क है, और बड़ा सा पार्क, छोटा नहीं, जहाँ पर आपके बच्चे सामने आपके घर के खेल सकते हैं, आप सुबह शाम यहाँ पर जॉगिंग कर सकते हैं। और बिल्कुल पार्क के सामने आपका खूबसूरत सा घर। दोस्तों आज का घर जो हमारा है ये बिल्कुल 5 मरले का है, और आपका डबल स्टोरी प्रॉपर 4 BHK। आप फ्रंट देखिए, पूरा का पूरा टाइल्स के साथ कवर किया गया है, टाइल कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारा सा। यहाँ ऊपर तक आपका पूरा टाइल्स के साथ कवर किया गया है, और फ्रंट ग्रिल जो आपकी है बिल्कुल स्टेनलेस स्टील की है, ग्लास के साथ, और खूबसूरत सा घर। दोस्तों पार्किंग की बात करूं तो सामने मेरे घर के इजीली मैं यहां पर 2 गाड़ियां आराम से पार्क कर सकता हूं। और वैसे जो मेरे घर के सामने पार्क है, तो पार्क के सामने इजीली से मैं अपने 2 या 4 गाड़ियां भी खड़ी करने चाहूँ तो कर सकता हूँ। दोस्तों एंट्रेंस गेट जो है काफ़ी हैवी है और काफ़ी बड़ा, आप देख सकते हैं मेरी हाइट के बराबर ही ऑलमोस्ट। यार लग्जरी घर होते हैं ना, या बड़े घर होते हैं, वहाँ पर अगर गेट बड़ा हो तो दिल खुश होता है। अब पार्किंग देखिए, पार्किंग की स्पेस बहुत ही खूबसूरत, आपकी बड़ी गाड़ी जिसे हम बोलते हैं ना, वो आराम से यहाँ पर लग जाएगी। पूरा ग्रेनाइट लगाया हमने पार्किंग के अंदर। यहाँ पर आपके 2 4 व्हीलर की पार्किंग है, और साथ में मेरे पास 2 व्हीलर की पार्किंग के लिए भी अलग एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पर। और दोस्तों ये है हमारा फ्रंट का गेट, एंट्रेंस गेट। उससे पहले हमारे पास स्टेयर्स आती हैं जो हमारी पूरी ग्रेनाइट की हैं, तो स्टेयर्स के पास हम फिर से आएंगे। उससे पहले मैं आपको अपना एंट्रेंस गेट दिखा देता हूँ। दोस्तों पूरा 8 फुट की हाइट है, बड़ी प्यारी सी, पूरा पॉलिश किया गया है, कपूर साल की जो वुड है यहाँ पर यूज़ की गई है। आपकी विंडो अगर देखी जाए तो पूरी की पूरी वॉल जो है आपकी पूरी विंडो है। मज़ा आता है ऐसे घर हो तो लाइट पूरी की पूरी अंदर आती है, ऐसे बड़ी सी विंडो हो। और जैसे थोड़ा सा अंदर आते हैं, हमारे पास एक बड़ा सा हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, तो पूरा आपका 20 फुट का बड़ा सा ड्राइंग एरिया। और दोस्तों वैसे मैं एक बात की माफ़ी भी चाहूँगा, थोड़ा सा सामान यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, अभी घर हमारा कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसकी वॉल्स हैं, फ्लोरिंग है, सब कुछ बहुत ही प्यारा लगेगा। अभी आप लगाइए अंदाज़ा कि अगर जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसकी लुक बिल्कुल अनोखी आएगी। और तो सीलिंग वो आपकी पूरी फॉल सीलिंग डिज़ाइन के साथ रहेगी, बिल्कुल कवर्ड है, और बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया गया सीलिंग को, प्रॉपर LED लैंप्स हैं, उसके साथ लाइट जो है पूरी नीचे अच्छे से बिखर रही है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई और बल्ब या लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी इनफ है, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, और दोस्तों ड्राइंग और डाइनिंग की इनफ स्पेस है, इजीली हमारा यहाँ पर जो है 7 सीटर जो हमारा सोफा सेट है हमारा लग सकता है, उसके साथ जो डाइनिंग टेबल है वो भी आप आराम से बड़ा वाला लगा सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ हमारी किचन, खूबसूरत सी बड़ी सी किचन, काफी बड़ी किचन है हमारी, 11 फुट की, 8 फुट की किचन है, 11x8 की, बड़ी प्यारी सी एल शेप के अंदर। ये पूरा डबल ग्रेनाइट यहाँ पर यूज किया गया है। डबल ग्रेनाइट में होता क्या, एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है जब आप कोई भी काम कर रहे हो किचन में, बड़े अच्छे से काम होता है। आपके जितने ड्रॉर्स हैं प्रॉपर बने हुए हैं यहाँ पर, प्रॉपर ड्रॉर्स, जी हाँ बिल्कुल, डबल लैमिनेशन है यहाँ पर, और सामने का प्यारी सी खूबसूरत सी टाइल्स लगी हैं, और टाइल्स के साथ ही ऊपर हमारे विंडो। देखिए यहाँ पर हम अपना चूल्हा रख सकते हैं, चूल्हा के सामने ही हमारे पास विंडो है, तो कभी ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं रहेगी कि हमारा खाना है बना रहे हैं तो अंदर ही सारी भवक घूम रही है, नहीं।
और प्रॉपर हमें अपनी किचन के अंदर डबल सिंक मिलता है, काफ़ी डीप है, काफ़ी प्यारा सा सिंक है, ब्रांडेड है, काफ़ी हैवी है ये, और डबल टैप्स सारा की फिटिंग मिलेगी हमें सारी यहाँ पर, और ऊपर भी जो कैबिनेट्स हैं प्रॉपर दिए गए हैं। आप देखिए कोई झंझट ही नहीं है, आपने जितना भी है अपने यूटेंसिल्स धोए, वॉश किए और ऊपर रख दिए, और जितना पानी है सीधा नीचे, कहीं पर भी कुछ भी गीला होने का चांस ही नहीं है। और मेरे पास दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पर हम जो अपना बड़े वाला फ्रिज जिसे हम बोलते हैं वो भी इजीली लगा सकते हैं, चाहे डबल डोर वाला अलमीरा फ्रिज हो, स्पेस ही स्पेस है यहाँ पर। और किचन की एंट्रेंस जो मैंने आपको बताई नहीं, माफ़ी चाहूँगा, एक बड़ी प्यारी सी एंट्रेंस है, दोनों तरफ से वुडन है, कवर्ड भी है और ओपन भी है। अब बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है ये, कैसे कंसेप्ट में होता है कि अगर आपको कर्टन हल्का सा करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी आपका पूरा बड़ा प्यारा सा काम लगता है। और दोस्तों बढ़ते हैं आगे बेडरूम की तरफ। दोस्तों ये है हमारा खूबसूरत सा 13.5 फुट का बेडरूम, बहुत ही बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा बेडरूम। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा सामान यहाँ पर पड़ा है, एक्चुअली एक सबट है जिसको हमने यहाँ पर रखा है देखने के लिए। अलमीराज दोस्तों काफ़ी अच्छी हैं, बड़ी हैं, ऊपर तक है, और प्रॉपर आपकी अलमीराज जो है काफ़ी डीप है। देखिए स्टोरेज ही स्टोरेज है आपके पास, कितनी स्टोरेज आपको चाहिए उतनी आप लीजिए। और यहाँ मैं इजिली अपना 6x6.5 का जो होता है किंग साइज बेड उसे यहाँ लगा सकता हूँ, और किंग साइज बेड के सामने बिल्कुल मेरे जो टीवी पैनल की स्पेस है। और बिल्कुल साथ इसके पास साथ हमारे पास हमारा वॉशरूम जो बिल्कुल अटैच्ड है हमारे बेडरूम के साथ, बड़ी खूबसूरत सी टाइल्स आपकी 8 फुट तक की ऊपर कवर की गई है, और कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा सा, बीच में डिजाइनर टाइल्स भी हैं, सारी प्रॉपर सेरा की फिटिंग है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत सा काम यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। और देखिए हमारी विंडो है, अब विंडो यहाँ छोटी भी हो, बहुत सारी जगह पे हमने देखा विंडो छोटी होती हैं, वो यहाँ पर पूरी 8 फुट की हाइट दी गई है ऊपर से नीचे तक। ये लुक कितनी अच्छी आती है, घर के अंदर हवा आती है, वेंटिलेशन अच्छी रहती है ऐसे विंडो के साथ, अच्छी लाइट रहती है, बरकरार रहती है, और मज़ा आता है जब ऐसी विंडोज़ हमें घर के अंदर मिलती हैं। और दोस्तों पीछे जो हमारा वॉशिंग एरिया है बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा वॉशिंग एरिया, हम इजीली यहाँ सिर्फ वॉशिंग ही नहीं और क्लोथिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस, आप देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरी स्पेस ही स्पेस है। तो जितना अच्छा एरिया है उतना ही अच्छा हमारा घर। दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों इस बेडरूम की बात ही बिल्कुल अलग है, आप देखिए जो हमारी विंडो है, एंटर करते हैं हमारी सबसे पहले जो नजर है हमारी विंडो पे पड़ती है जो कि बहुत ही बड़ी सी है, पूरी ऊपर तक है, और पूरी की पूरी जो वॉल है वो आपकी विंडो में तब्दील कर दी गई है। बड़ा सा बेडरूम है आपका, अच्छी स्पेस आपको मिलती है यहाँ पर। मेरे पास सामने की तरफ एक गेट है, अगर मैंने यहाँ से बाहर जाना है यहाँ से जा सकता हूँ मैं, मान लीजिए मेरे घर के अंदर गेस्ट आया है तो मैं गेस्ट को नहीं डिस्टर्ब करना चाहता तो मैं इस रास्ते से भी अपना आराम से एक्सेस कर सकता हूँ सारे घर को। और मेरे बैक साइड पे बिल्कुल हमारा टीवी पैनल खूबसूरत सा पूरा पॉलिश किया हुआ, बड़ा अच्छा काम यहाँ पर किया गया है। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, अभी जो घर है इसकी पूरी फिनिशिंग नहीं हुई है, जैसे आप बुक करते हो तो हम इसको पूरा अच्छे से फिनिशिंग करके देंगे, अगर आप चाहते हैं इसके अंदर वॉलपेपर लगाना है या कोई कलर डिफरेंट करना है तो वो भी सब हो जाएगा। और सीलिंग हर रूम में बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी सीलिंग का डिज़ाइन, वार्डरोब्स दोस्तों यहाँ पर भी हमें पूरी मिलती हैं, बहुत ही प्यारी सी स्पेस हमें पूरे घर के अंदर बहुत अच्छी मिली। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ भी हमारे पास अटैच वॉशरूम है,
टाइल्स हमारे यहाँ भी ऊपर तक आएंगी, प्रॉपर ब्रांडेड फिटिंग्स है सहरा की, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा सा है। और दोस्तों जो वॉशरूम है इसके अंदर ऊपर थोड़ी सी वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई है, जो कि वॉशरूम हमारा बीच में है, ये ऊपर आपको इसलिए दी गई है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। कि कई बार हमने देखा है जब हमारा वॉशरूम होता है तो वहाँ से स्मेल आने शुरू हो जाती है, लेकिन अगर वेंटिलेशन प्रॉपर हो आपके वॉशरूम में तो कभी ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो दोस्तों ये था हमारा नीचे का दो बेडरूम का 2 BHK प्रॉपर। तो बढ़ते हैं हम अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। दोस्तों स्टेयर्स हमारी यहाँ पर भी ग्रेनाइट की हैं, पूरी खूबसूरत सी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है हमारे पास यहाँ पर। रेलिंग काफी हैवी लगाई हुई है, और दोस्तों ये चीज ना एक हर जगह मैंने देखा ये चीज मिसिंग होती है, ये बहुत जरूरी चीज है। आप यहाँ पर घूम रहे हो और सडनली आपको ध्यान आ रहे हैं आप यहाँ पर गिर सकते हो, बट रेलिंग का मतलब यही होता है कि आपकी प्रॉपर आपके पास हर जगह हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ सके। दोस्तों सामने की तरफ हमारा जो पार्क है उसका बड़ा खूबसूरत सा नजारा हमारे अपने घर की तरफ से। दोस्तों नीचे की तरह यहाँ पर भी प्रॉपर हमें स्पेस पूरी मिलती है, कोई कमी नहीं है हमारे पास। प्रॉपर जैसे नीचे हमने देखा था प्रॉपर हमारा ड्राइंग एरिया डाइनिंग एरिया 20 फुट का, वैसे पूरी स्पेस है यहाँ पर। 20x11 का हमारा ड्राइंग एरिया है, उसके साथ हमारे पास खूबसूरत सी किचन जो कि बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है जैसे हमने नीचे देखा था। पूरी डबल है ये, ऐसा नहीं है कि किचन के अंदर कोई कमी छोड़ दी गई हो, प्रॉपर काम किया गया है। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर हमारा अटैच बेडरूम जैसा हमने नीचे देखा था। आप देखिए स्पेस के मामले में कोई जगह आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, बड़ा सा बेडरूम, बड़ी सी हमारी खिड़की, और खिड़की के साथ हमारा आउटर डोर। जी हाँ, घर में कोई स्पेस बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए बड़ी अच्छी सी। दो बेडरूम यहाँ पर भी हमारा पूरा प्रॉपर कंप्लीट है जैसे हमने नीचे देखा था। यहाँ मैं इस तरफ अपना बेड लगा सकता हूँ अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर पीछे वॉलपेपर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरे बेडरूम बेड के सामने बिल्कुल टीवी पैनल की स्पेस, और ऊपर भी मेरे पास जो अलमीरा प्रॉपर पूरी मिलती है। और ये हमारा जो एरिया है यहाँ हमारा आता है वॉशरूम। दोस्तों ये हमारे पास पीछे की तरफ स्पेस है जिसे हम वॉशिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर स्पेस हमें यहाँ मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्पेस नहीं है, स्पेस की कमी हो, नहीं, इजीली आप अपनी वॉशिंग मशीन रखिए और जितना कपड़े धोना सुखाना सारा काम यहाँ पर इजीली हो जाएगा, स्पेस ही स्पेस है हमारे पास यहाँ पर। आप आसपास देख सकते हैं सारे घर बन चुके हैं, ऑलमोस्ट रेडी है सारा एरिया। दोस्तों जैसे हमारे पास नीचे 2 बेडरूम थे प्रॉपर और हॉल किचन, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी है। हमने हॉल किचन और 1 बेडरूम देख लिया, हमारा लास्ट बेडरूम है। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट बेडरूम की तरफ। तो
दोस्तों प्रॉपर स्पेस हमें इस बेडरूम के में भी जैसे हमारे पास नीचे थी कोई कमी नहीं है स्पेस की। हर जगह जो स्पेस है वो पूरी हमें यहाँ मिलती है। एक बड़ी सी खिड़की है शानदार पॉलिश की गई वुड के साथ और काफ़ी खूबसूरत सा काम। और मेरे बेडरूम के सामने जो है मेरा प्यारा सा पार्क, उसका एरिया यहाँ से नज़ारा ही बिल्कुल अलग आता। आप सोचिए मैं सुबह सुबह अपने कर्टन हटाता हूँ और हवा लेने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ और यहीं पे वॉक करते करते मैं खूबसूरत सी ग्रीनरी का मज़ा ले रहा हूँ। इसी कहते हैं हमारा अपना घर, अपने घर का मज़ा। दोस्तों इस रूम के साथ भी, हमारे बेडरूम के साथ भी हमारे पास अटैच वॉशरूम रहेगा और यहाँ भी प्रॉपर हमारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी सेरा की। और बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी दिया गया है। इसे बोलते हैं एक अच्छा डिज़ाइन, एक अच्छा स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। देखिए बेडरूम्स दोनों एक साइड पे कर दिए हैं और आपका ड्राइंग डाइनिंग एक तरफ कर दिया गया है और स्पेस कितनी बढ़िया निकली है इस घर के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा 4 BHK का प्रॉपर 5 मरले का घर। इसके साथ हमारे पास सीढ़ियां हैं जो कि हमें ऊपर रूफ की तरफ ले जाती हैं, जहाँ पर हमारे पास वाटर टैंक है जो हमारा 1000 लीटर का रहेगा। अगर हम उसे कम बड़ा करना चाहते हैं, एक और वाटर टैंक रखना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का आपको ये घर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो देखना चाहता है इसको, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है। अगर नहीं अच्छी लगती तो भी प्लीज़ हमें सजेशन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए घर पे के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।